मलिक दो हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। अधिकारी का नाम बताइए, अधिकारी का नाम। इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। दो हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, दो हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जाओगे। 28 मार्च की रात अशरफ अहमद ने बता दिया था कि उसे मार दिया जाएगा। उसने यह तक कह दिया कि कोई अधिकारी जिसने बताया है कि किसी बहाने से उसे जेल से बाहर निकालेंगे और मार देंगे। अब इसे आप साजिश कहिए या इत्तेफाक, हुआ बिल्कुल ऐसा ही। अतीक अहमद और उसके भाई को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी पुलिस कस्टडी में। जब अशरफ इस बात का दावा कर रहा था तब हमारे सहयोगी कृष्ण गोपाल राज वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आखिर अशरफ उस वक्त किस हालत में था। अशरफ और अतीक हत्याकांड के बाद कई परत दर परत राज खुलना शुरू हो गए हैं। राज इस खुल चीज के खुल रहे हैं कि अशरफ ने जो कहा था कि उसकी जान को खतरा है और उसे एक अफसर ने कहा है कि दो हफ्ते बाद उसे निकाल कर जेल से उसकी हत्या कर दी जाएगी, जिसमें उसने कहा था कि उसने एक लिफाफा जो बना के रखा हुआ है और जिस दिन उसकी हत्या होगी वो लिफाफा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ यूपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाएगा। अशरफ से जब यूपी तक ने बात की थी तो अशरफ का चेहरा थोड़ा खौफ में और थोड़ा असमंजस से था। वो अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट था जो कह रहा था, लेकिन साथ में वो थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा था। अशरफ ने जब ये बात कही थी तो ऐसा उसके चेहरे का भाव था कि वह पूरी तरीके से डरा हुआ और सच बोल रहा है। लेकिन वो लिफाफा आज कहाँ है जिसका जिक्र अशरफ ने अपनी मौत से मात्र 19 दिन पहले किया था? वो लिफाफा कहाँ है जिसमें वो अफसर का नाम छुपा हुआ है जिसने अशरफ को उसकी मौत की तारीख बताई थी? वो लिफाफा कहाँ है जिसका इंतज़ार यूपी पुलिस, एसटीएफ और मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र है और उन्हें वो बताने जा रहा था? उस लिफाफे के पहुँचने तक लोगों को उत्सुकता बनी हुई है कि इस लिफाफे से बहुत सारे ऐसे राज खुलेंगे जो आने वाले वक्त में बहुत बड़ी हलचल मचाएंगे। कैमरामैन मलिक राजपूत के साथ मैं कृष्ण गोपाल राज, यूपी तक।